अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्मोनिक सीक्वेंस आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन को, और इसको एच डॉट पी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एच से मतलब होगा हार्मोनिक और पी से मतलब होगा प्रोग्रेशन। ठीक है, सो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन बेसिकली एक ही वर्ड के दो डिफरेंट, आप समझ लें कि डिफरेंट तरीके से हम एक ही वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और एच पी जो है इसका शॉर्टकट फॉर्म है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती क्या है। सो डेफिनेशन में हम देखते हैं कि किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड अ हार्मोनिक सीक्वेंस आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन If the reciprocals of if the reciprocal of its terms are in arithmetic, arithmetic progression, so क्या हमने कहा कि a sequence of number is called a harmonic sequence or harmonic progression if the reciprocals of its terms are in arithmetic progression। ठीक हो गया। मतलब कोई भी sequence हार्मोनिक सीक्वेंस होगी अगर उसकी टर्म्स का आप रेसिप्रोकल ले लें, और टर्म का रेसिप्रोकल लेने से जो नई सीक्वेंस बनेगी अगर वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनती है, तो ये जो सीक्वेंस होगी जिसका हमने रेसिप्रोकल लिया था, हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस है। ठीक है, या इसी तरह से आप इसको इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन हो, तो अगर आप उसका भी रेसिप्रोकल ले लें, तो बदले में आपके पास क्या मिल जाएगी? आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। क्लियर होगी बात? अब इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। लेट से मेरे पास एक सीक्वेंस गिवन है जिसके टर्म्स हैं वन एंड वन। लेट से मेरे पास फर्स्ट टर्म है उसकी वन, देन उसकी सेकेंड टर्म है वन बाई थ्री, देन उसकी थर्ड टर्म है वन बाई फाइव, एंड देन उसकी लास्ट टर्म है वन बाई सेवन। सो मैं ये क्लेम करता हूं कि ये जो सीक्वेंस है ये बेसिकली हार्मोनिक सीक्वेंस है, इज अ हार्मोनिक सीक्वेंस, इज अ हार्मोनिक सीक्वेंस। ठीक हो गया। उसकी रीजन क्या है? सिंस, क्योंकि अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, सिंस देयर रेसिप्रोकल्स ठीक है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो बेसिकली यहां वन बाय वन होता है, तो रेसिप्रोकल जो आपके पास बनेगा ना वो क्या बनेगा? वन बाय वन का तो रेसिप्रोकल आपको पता है वन आ जाएगा, वन बाय थ्री का रेसिप्रोकल थ्री आ जाएगा, वन बाय फाइव का रेसिप्रोकल आपके पास फाइव आ जाएगा, वन बाय सेवन का रेसिप्रोकल आपके पास क्या आ जाएगा? सेवन आ जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल के बाद ये जो नई सीक्वेंस आ गई ना आपके पास, जो वन थ्री फाइव एंड सेवन है, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्यों है वो चेक कर लेते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस के डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सीक्वेंस जिसके टर्म्स का डिफरेंस, जिसको हमने कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट किया था, अगर वो सेम आ जाए तो वो सीक्वेंस क्या होगी? वो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। तो चेक कर लेते हैं, आप थ्री एंड वन का डिफरेंस निकालें तो देख सकते हैं आप थ्री माइनस वन, तो डिफरेंस आपके पास आएगा टू। देन आप फाइव एंड थ्री का डिफरेंस निकालें तो वो भी चेक कर लेते हैं, फाइव माइनस थ्री वो आपके पास आ जाएगा टू।
देन आपने 7 एंड 5 का जो डिफरेंस है वो निकालना है, तो 7 माइनस 5 वो भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि रेसिप्रोकल के बाद जो सीक्वेंस बनी थी उन सब में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 2 2 के इक्वल आ रहे हैं, ठीक हो गया। सो ये जो सीक्वेंस 1 3 5 7 है आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये बेसिकली किस में आ रही है, ये आपके पास इज अ अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये कौन सी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन जो अभी हमने डिस्कस की थी उसमें हमने यही तो डिस्कस किया था कि अगर आप किसी भी आपके पास अगर सीक्वेंस हो और आप उसकी सीक्वेंस के टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें, तो रेसिप्रोकल के बाद अगर बनने वाली सीक्वेंस जैसे हमारे पास 1 3 5 7 आया है अगर वो अरिथमेटिक हो जाए, सो आप कहोगे कि जो जिसका आपने रेसिप्रोकल लिया था वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। सो आप यहां पर लिखेंगे कि सो जो सीक्वेंस थी 1 by 1, 1 by 3, 1 by 5 and 1 by 7 is a harmonic sequence, is a harmonic sequence or harmonic progression, और आप इसको कह सकते हैं कि H dot P है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ना आपने एक पॉइंट याद रखना है कि द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, रिमेंबर एक पॉइंट आपने ये जहन में रखना है कि रिमेंबर दैट द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, is not defined, so zero cannot be, zero cannot be the sum of, sorry, the term of be the term of harmonic sequence. क्या स्टूडेंट, हमने कहा कि क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। सो जीरो किसी भी हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म नहीं हो सकती। लेट से अभी मैंने प्रीवियस जो एग्जांपल थी उसी को अगर हम देखें ना, लेट से उसमें मैं एक टर्म और ऐड कर देता हूँ जीरो, सो आ जाएगा जीरो, ठीक है। लेट से मैं कहता हूँ जीरो है आपके पास, उसके बाद आप उसको 1 कर दें 1 by 3 कर दें एंड 1 by 5 कर दें एंड 1 by 7 कर दें, ठीक है। अगर मैं इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल लूँ तो रेसिप्रोकल आपके पास क्या आ जाएगा, 1 by 0 आ जाएगा, और ये चीज़ डिफाइंड नहीं होती, इसलिए ये जीरो की वजह से ये जो पूरी सीक्वेंस होगी वो हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं हो सकती। सो किसी भी हार्मोनिक सीक्वेंस में जीरो को एज अ टर्म इंक्लूड नहीं किया जा सकता। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।